नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। पीएम मोदी को बहरीन में मिला द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड। दोनों देशों के बीच हुई कई समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की बहरीन यात्रा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिलने पर कहा है कि मैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान पाकर के बहुत सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं मेरे लिए और मेरे देश के लिए आपकी मित्रता से भी उतना ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं 1.3 अरब भारतीयों की ओर से इस प्रतिष्ठित सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। फर्जी कंपनी ने पी चिदंबरम की यात्रा खर्चों पर किया भुगतान। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन ने खुलासा किया है कि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की एक सेल ने कंपनी ने पी चिदंबरम की यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान किया है। जांच में जुड़ी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये खुलासे रमन के पिछले साल पूछताछ के दौरान किए गए थे। यात्रा खर्च और अन्य खर्चों के भुगतान पर विवरण दस्तावेजों और हार्ड डिस्क से प्राप्त हुआ है जिसे आयकर अधिकारियों ने कार्ति चिदंबरम के द्वारा प्रोडक्ट चेन्नई के चेस ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज पर छापे के दौरान जब्त किया था। अंतरिक्ष से पत्नी की जासूसी कर रहा था शख्स, जांच में जुटी नासा। आपने ऐसी खबर तो खूब सुनी होगी कि पति अपने पत्नी के खर्चों पर नजर रखते हैं और उसे जासूसी भी करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सुना है कि पति अंतरिक्ष से अपनी पत्नी की जासूसी करे और गैर कानूनी तरीके से उसके वित्तीय दस्तावेजों को भी देखे। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस मामले में अपनी एक वैज्ञानिक की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नासा के वैज्ञानिक एनी मैक्सेन पर आरोप है कि 6 महीने के अंतरिक्ष मिशन पर जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष से ही चोरी छुपे अपनी पत्नी की निजी वित्तीय रिकॉर्ड को एक्सेस किया है और उसे देखा है। नासा में ऐसा यह पहला मामला है जब किसी वैज्ञानिक इस पर आरोप लगाए गए हैं। जेल में राम रहीम ने की सब्जी की खेती, कम हुआ 15 किलो वजन, कमाए 18,000 रुपए। डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम 2 साल से हरियाणा के सुनारिया जेल में बंद है। कैदी नंबर 8,647 राम रहीम ने यहां कड़ी मेहनत से 18,000 रुपए की कमाई की है। राम रहीम ने जेल परिसर में ही सब्जियां उगाई है जिसके बदले उन्हें पैसे मिले हैं। हालांकि जी तोड़ मेहनत के चक्कर में राम रहीम का 15 किलो वजन कम हो गया है। आपको बता दें कि जेल में राम रहीम को बाबा के नाम से पॉपुलर है। आपको बता दें कि अलग अलग आरोप में बाबा राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई की एक अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उन्हें 25 अगस्त 2017 को पुलिस ने तब अरेस्ट किया जब वो अपने 50वें जन्मदिन का शानदार तरीके से जश्न मना रहे थे। 1 सितंबर से होंगे बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा काफी असर। सितंबर महीने की शुरुआत में देश के कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। सितंबर में कई फाइनेंशियल रूल्स प्रभावित होंगे जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इन बदलाव के तहत कहीं आपको राहत मिलेगी तो कुछ ऐसे भी मोर्चे हैं जहां आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसके तहत सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। वहीं दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन सस्ता हो जाएगा जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रविदास मंदिर में 40 करोड़ लोगों की आस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी दिल्ली सरकार। तुगलकाबाद में रविदास का ऐतिहासिक मंदिर तोड़े जाने का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार मंदिर मामले में पार्टी बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल ने कहा है कि रविदास मंदिर कानून व्यवस्था और 40 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। राजेंद्र पाल ने कहा है कि वे अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं के बाद वे अगले हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि अदालत को बताया जाएगा कि मंदिर तोड़े जाने वाले संबंधित मुद्दे सही तथ्य नहीं रखे हैं। रविदास मंदिर आजादी से पहले सरकारी दस्तावेजों के दर्ज हैं। जब पीएम मोदी ने यूएई में लॉन्च किया रुपे कार्ड, खरीदे 1 किलो लड्डू। संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अबू धाबी के अमीरात पैलेस में 1 किलो लड्डू खरीदने के लिए अपने रुपे कार्ड को स्वाइप किया। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के समकक्ष रुपे कार्ड लॉन्च किया। मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश है जहां रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है। इमरान बने ड्राइवर और मोदी को सर्वोच्च सम्मान, सोशल मीडिया पर खिंचाई। पाकिस्तान भले ही हर वक्त और हर जगह भारत के खिलाफ बयान दे रहा है लेकिन असलियत यह है कि वैश्विक पटल पर जो छवि भारत और पीएम मोदी की है वो इससे वाकिफ है। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात के नेता के लिए इमरान खान ड्राइवर बन गए थे। उसी देश के नेता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। बस इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पर इमरान खान एक बार फिर से निशाने पर हैं।
विधानसभा उपचुनाव यूपी, छत्तीसगढ़, केरल और त्रिपुरा की चार सीटों पर 23 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने आज चार राज्यों की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। उपचुनाव के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा, केरल की पाला, त्रिपुरा की बाधरघाट और उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट पर 23 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि 28 अगस्त को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वोटों की गिनती 27 सितंबर को होगी। आखिर महाराष्ट्र के चुनाव पर क्यों है नीतीश कुमार की नजर? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपनी सीमा विस्तार कर रही है, उसे विरोधियों के साथ साथ सहयोगी दलों को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना अभी तय नहीं कर पा रही कि आखिर बीजेपी से अपने रिश्ते किस तरह निभाए। कई दशकों तक बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली शिवसेना इस बार बराबरी का भी संतोष करने को तैयार है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उसे बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में शिवसेना आदित्य ठाकरे को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की खबरों के बहाने बीजेपी पर दबाव बनाने लगी है। लेकिन फिलहाल इसका असर बीजेपी नेतृत्व पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार महाराष्ट्र की रणनीति पर पल पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी शिवसेना के रिश्ते का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जेडीयू की हालत फिलहाल वही है जो करीब एक दशक पहले महाराष्ट्र की राजनीति पर शिवसेना की थी। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का चिंता करना जायज है। टीवी देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द आसान होगा चैनल सेलेक्ट करना और बिल भी देना होगा कम। ट्राई ने टीवी देखने के नियम बदलते हुए कुछ समय हो गया है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें चैनल चुनने और पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में प्राधिकरण ने यूजर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए थर्ड पार्टी ऐप बनाने का फैसला किया है। हाल ही में प्राधिकरण ने 2017 में पेश किए गए नए ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करने का भी प्रयास किया है। आपको बता दें कि ट्राई का कहना है कि ऐप आने से ग्राहक आसानी से अपने पैक सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी सभी कस्टमर तक आसानी से पहुंच पाएगा। श्रीनगर सचिवालय से हटाया गया जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, शान से लहरा रहा तिरंगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के फैसले के बाद अब घाटी में हालत समान हो गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन सब के बीच रविवार को श्रीनगर स्थित सचिवालय की इमारत से जम्मू कश्मीर का झंडा हटा दिया गया है। अब सचिवालय की इमारत पर केवल भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले श्रीनगर सचिवालय पर जम्मू कश्मीर का झंडा और भारत का झंडा एक साथ फहरते थे। हालांकि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का एक झंडा अलग था। वहीं राज्य में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। व्हाट्सएप पर आ रहा है एक ऐसा फीचर जिसका सबको है बेसब्री से इंतजार। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर पेश करने वाला है। ये एक ऐसा फीचर है जो यूजर्स को काफी पॉपुलर है, जिसका नाम है बोमरेज। ये यूजर्स इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप अब जल्द आईएसओ पर इंस्टाग्राम का यह पॉपुलर फीचर लाने में काम कर रहा है। वेब बीटा इन्फॉर्मेशन ने बताया है कि व्हाट्सएप आईएसओ के लिए लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बोमरेज स्टाइल फीचर को लाने के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर उपलब्ध बोमरेज फीचर यूजर्स को एक गिफ की तरह वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ओर लूप करने की सुविधा देता है। व्हाट्सएप पर भी अब ये फीचर 7 सेकंड के वीडियो को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को लूप करने की सुविधा देगा। G7 का सदस्य नहीं है भारत, फिर भी इसे बड़े मंच पर पीएम मोदी को क्यों मिला बुलावा? G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एथलीट क्लब है। यह देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल और रफ्तार तय करती है। G7 के देशों का दुनिया के 40% GDP पर कब्जा है। हालांकि यहां पर मात्र 10% आबादी निवास करती है। भारत इस VVIP क्लब का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती रफ्तार का ही असर है कि इस सम्मेलन में भारत की विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि G7 में शामिल कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। पाकिस्तान ने कहा भारत के साथ संबंधों में तनाव के बावजूद करतारपुर गलियारे को पूरा करने को प्रतिबद्ध। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक वरिष्ठ सहायक ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों के तनाव के बावजूद बाबा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के पहले पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर गलियारा परियोजना पूरा करने को प्रतिबद्ध है। करतारपुर गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर स्थित डेरा साहिब को गुरदासपुर के डेरा बाबा गुरु नानक द्वारे से जुड़ेगा और भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए वीजा मुफ्त आवागमन की सुविधा मुहैया कराएगा। करतारपुर साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ परमिट लेना होगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना बाबा गुरु नानक ने 522 ईस्वी में की थी। बहरीन में पीएम मोदी ने 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बहरीन की राजधानी मनामा में भगवान श्री कृष्ण के 200 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए $42 लाख की परियोजनाओं का शनिवार को शुभारंभ किया है। मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर का पुनर्निर्माण इस साल आरंभ किया जाएगा। मनामा स्थित इस 200 साल पुराने मंदिर
का 42 लाख डॉलर की लागत से 45,000 वर्ग फुट के 3 मंजिला भवन के साथ नवीनीकरण किया जा रहा है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पीवी सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा करके रचा इतिहास। ओलंपिक रजत विजेता पीवी सिंधु ने आज बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। मैच स्विट्जरलैंड के बासेन में खेला गया। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया के सारी खबरों से रह सके अपडेट।